तुम अच्छे लड़के हो, लेकिन अच्छा होता अगर तुम्हारे सर पर एक जबरदस्त पाप का साया होता। मेरे वालिद एक बहुत अच्छे इंसान थे, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। जब मैं छोटा था तो जलजले में मलबे तले दब गए थे। खुदा उसकी मगफिरत करे। मेरी वालदा ने मुझे बताया था वो बहुत अच्छे आदमी थे। हो सकता है वो अच्छे हों। वाकई में थे? हाँ जरूर होंगे। मुझसे कोई काम है? थे क्या? टेलीफोन, टेलीफोन। मेरी वालदा का है, मेरी अम्मी का फोन आया है, मेरी अम्मी जान है जी। उठा लूं अब मैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। एक मिनट बाहर आओ जी। बोले सर। अब लड़कियों के लिए दरवाजा खोलो। आज के दिन से, मतलब तुम आज ही के दिन से इस घर के ड्राइवर बन चुके हो। इस घर से मतलब मैं, मेरा बेटा, मेरी बहू और मेरी पोतियां। जो काम मेरे लिए करते हो वो इनके लिए भी करो। जैसे मेरे लिए दरवाजा खोलते बंद करते हो वैसे ही इन सब के लिए करना। जिस तरह से मेरी इज्जत करते हो वैसे ही इन सब की करना। अब मेरी बात खत्म हुई, समझ गए ना? एक ताला, मैं चाहती हूँ कि एक मजबूत ताला तुम अपने मुंह पर लगा लो। कितने पैसे लोगे? राना बस भी करो। अरे तुम मेरे कान में बार बार क्या बोले जा रही हो? उससे पूछ लेने तो दो कि ये बाबा को बोलेगा या नहीं बोलेगा। कि वो बाबा जान से कुछ नहीं बोलेगा। दादा जान से तो कहेगा ना? वो कह चुका है कुछ नहीं कहेगा, और वैसे भी दादा जान किसी से कुछ नहीं पूछते। मोहम्मद बेटा, फोन ये बताने के लिए किया है कि मैं और तुम्हारी बहन कुछ दिन बाद तेहरान आ रहे हैं। हाँ सच में। साबिर क्या हुआ है? बाबा जान अच्छा हुआ आप आ गए। लगता है ये लड़का यहाँ काम करने के काबिल नहीं है। मुझे लड़के का क्या करना है? इसे क्या हुआ है? आज भी जब तुम कमरे में आए थे तो लग रहा था कि उनका दिल बाहर आ जाएगा। मुझे नहीं मालूम क्या बात है, शायद तुम्हें देखकर उसे कुछ याद आता है या कुछ बताना चाहती है। बहरहाल जो भी है उनके आसपास नहीं रहा करो। हालत बिगड़ जाने से कहीं उन्हें मौत ना हो जाए। खुदा हाफिज। क्या बकवास है। अख्तर बाजी वो जा रही हैं, तुम मिलोगी नहीं उनसे? हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। अब वापस नहीं आएगी। मुझे भी यही लगता है कि अब नहीं आएगी। जो काम इसके बेटे ने किया है क्या वो वापस आएगी? वो तो पता चल ही गया है, किसी और ने कत्ल किया था, वो पकड़ा गया है। कितनी भोली हो तुम। किसने तुमसे ये कह दिया मेरी बहन? उस बेचारे लड़के का खून हुआ है, ये सब धोखा है। सारा काम इसने खुद नहीं किया है और अब ये यहाँ से भाग रही है। सना बाजी हमें आपकी बहुत याद आएगी। मुझे भी आप सबकी बहुत याद आएगी। देखो कैसी औरत है, अगर खुशकाम से शादी करती तो इसे इस जिल्लत से भी निजात मिल जाती। खुद भी सुकून की नींद से सोती और मेरी भी इसकी इस मुसीबत से जान छूट जाती। बताओ क्या मौत आ जाती। अल्लाह ताला आपके सफर को आसान करे और आपकी मुश्किलात को दूर करे। एक ब्यूटी पार्लर का बोर्ड लगाती और 5-6 लड़कियां काम पर रखती। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा ही जानता है ये तुमने क्यों किया है। सलामत रहिएगा। जलील हो गई है और मुझे भी जलील करवा दिया है। अम्मी मैं भी साथ जा रही हूँ, आ जाऊंगी। ठीक है बेटा जाओ, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। खुदा हाफिज। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं क्या कर सकती हूँ, खुदा ही हिफाजत करे। चलें ठीक है, अब आप भी अपने घर जाइए, मेरे कुछ कस्टमर आने वाले हैं। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। सब पड़ोसी हमें देखकर जल रहे थे
और सब मेरे रोने पर मुझे देखकर हंस भी रहे थे। मैं सोचती हूँ कि कितना अच्छा होता है ना जो सब आप ही की तरह होते, या इतना अच्छा होते कि अगर कोई पीछे पड़ोसी जाने के लिए रो रहा होता तो उसे भी अपने साथ ले जाते। आप हमेशा यही करती हैं ना? नहीं, हमेशा नहीं। मुझे तो यकीन ही नहीं होता। मेरी नज़र में आप दिल की इतनी अमीर हैं कि मुझे अपने साथ लेकर कहीं भी जा सकती हैं। दिल आराम। क्या हुआ है कासिम भाई? अपने बच्चों को लेकर आप इस घर से, बल्कि इस शहर से बहुत दूर चली जाएं। अगर हशमत फिरदौस ने आपके बच्चे छीन लिए तो उनसे कभी भी नहीं मिलने देगा। हमेशा किसी जगह को छोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन वक्त एक जैसा नहीं होता। सना बाजी, बोले वो लोग किसी भी वक्त आ सकते हैं। मुझे मालूम है, माफ कीजिएगा मुझे। इंजीनियर साहब, मुझे और मेरे बच्चों को यहाँ से जाना होगा। जी। बाज़ औक़ात तो किसी से खुदा हाफिज़ कहने का वक्त भी नहीं मिलता, बहुत मुश्किल होता है। हमें जितनी जल्दी हो यहाँ से निकल जाना होगा। जाना है? कहाँ जाओगी? मुझे यहाँ से जाना होगा नाना अब्बू। और बाज़ औक़ात तो बहुत मज़ा आता है जब ये समझ लिया जाए कि तुम किसी के लिए बहुत खास हो। क्या हो जाता अगर हमारे इस टीचर का कोई भाई भी होता तो मुझे भी अपने साथ शादी करके ले जाता। अच्छा, ये कहाँ से पता चला कि अगर मोहसिन का कोई भाई होता तो तुमसे शादी कर लेता? अगर होता तो जरूर करता। जरा सोचो तो फिर हम एक दूसरे के पड़ोसी भी हो जाते। फिर उसके बाद तुम दोनों एक दूसरे की जान की दुश्मन बन जाती। बिल्कुल भी नहीं सना आंटी, पुरानी कहावत है कि पड़ोसी आपस में दो बहनों की तरह होते हैं। हाँ, जैसे अभी दो पीछे बैठी हुई हैं, जो एक साथ रह भी नहीं सकती और अलहदा भी नहीं। और एक दिन दोनों की मोहब्बत इतनी फूल जाती है जैसे फुटबॉल की गेंद होती है। और फिर अच्छा, एक दिन पहले मुझे इसका पड़ोसी तो बनने दे, इसके बाद जो भी नाजुल कहेगी मैं कहूँगी ठीक है, बल्कि जब भी ये नाराज होगी, गुस्सा करेगी, मैं इसे जाके मना लिया करूँगी। और जब भी लड़ाई झगड़ा करेगी तो मैं इसे कहूँगी कि हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब इतना तो दो पड़ोसी में चलता है ना, लेकिन मैं फिर भी नाजुल ठीक कह रही हो। तुम्हें क्या हो गया है? अभी तो ना मोहसिन का कोई भाई है और ना उसके भाई से तुम शादी कर रही हो, और ना तो हम एक दूसरे के पड़ोसी हुए हैं, और ना हमारी लड़ाई हुई, ना तुम वहाँ रह रही हो और ना तुम मेरी पड़ोसन हो। क्या हुआ है? अच्छा तो तुम जा रही हो, अब मैं किससे बातें करूंगी, किसके साथ मजाक किया करूंगी? मुझे बताओ भी तुम्हारी बहुत याद आएगी। दिलाराम। जी सना आंटी। नाजगुल कोई मुल्क से बाहर तो नहीं जा रही है? तुम तेहरान आ जाना, वो लोग रामसर आ जाया करेंगे। दुनिया इसी को कहते हैं मेरी बेटी, दूर रहने से मोहब्बत में कमी नहीं आती, दिल तो किसी वक्त भी दूर नहीं होते हैं। सच में? क्या सच में? वहां जाके मुझे भूलोगी तो नहीं ना? दिलाराम तुम पागल हो गई हो क्या? चलो गले लग जाओ मेरे, मैं वाकई वहां जाके तुम्हें नहीं भूलूंगी। जरा यहाँ पर एक मिनट रोकिएगा। क्या आप उतरेंगी अम्मी जान? नहीं। तो फिर टैक्सी क्यों रुकवाई है? मैंने अपनी आधी जिंदगी इस रेस्टोरेंट में गुजार दी है, दिल से भूलना इतना आसान नहीं होता है, ना उन लोगों को जिनके साथ इतना वक्त गुजारा, ना उस जगह को जहां साथ रहे। चले भाई। Thank you.
ये यहाँ क्या कर रही है? तुम यहाँ किस लिए आई हो? बच्चे आपसे मिलना चाह रहे थे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम। जानते हो अगर तुम्हारे भैया यहाँ पर होते तो तुम्हें देखकर कितना खुश होते हो। जी। मैं भी तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। तुम लोग अपना ख्याल रखना। फरीदा जाओ बेटा, नाज़बुल बाजी की मदद करो। जाओ मेरी बेटी। एक बात कहूँ? कहो। बच्चे मुझे अम्मी जान कह रहे हैं। हाँ तो अब तुम उनकी माँ ही हो। सब कुछ आपसे मिला है। हमें जो कुछ दिया है खुदा ने दिया है। बहुत शुक्रिया आपका। अम्मी जान देर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम शौकत आंटी। वालेकुम अस्सलाम नाज़गुल। आ जाए अम्मी जान। आ रही हूँ। अच्छा अब चलती हूँ शौकत बाजी, अब चाहो या ना चाहो मुझे जाना होगा। आपको दिल भर कर देखती हूँ। वो दिलाराम पागल इतना रो रही थी कि मुझे भी रोना आ गया। जान देखे मौसम हमें लेने आया है। होटल शहर के बीचों बीच है, हर जगह करीब है, लेकिन आपको जहाँ कहीं भी जाना हो मैं खुद लेकर जाऊंगा आपको। भाई से ले लीजिए। अम्मी जान बहुत अच्छा है ना? हाँ बहुत अच्छा है। इसी होटल में मैंने एक हॉल भी निकाह के लिए बुक करवाया। अच्छी बात है। उसी तारीख में जो आपने मुझे बताई थी। ठीक है आ जाइए आ जाए। मुझे होटल का रिजर्वेशन फॉर्म दे दीजिए। ये लीजिए। आप लोग मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, मैं खुद ही जरा खाना पूरी करूँ। आप लोग वहाँ पे आराम से बैठ जाइए। नहीं यहीं पे ठीक है। जी सर। तो यहाँ पे नोट। जी सर। और टेलीफोन नंबर? जी जी। जगह तो बहुत अच्छी है। अच्छा ठीक है। मैं देख रही हूँ निकाह के लिए कौन सी जगह बेहतर रहेगी। कह रही थी कि मुझसे बहुत जरूरी काम है तुम्हें, बोलो मैं तुम्हारे सामने हूँ। सच कह रहे हो? हाँ बोलो। ऐसा हाल बनाकर गली और सड़कों पर निकलने से तो बेहतर है कि इंसान घर पर ही बैठ जाए। किससे कह रही हो? उन चादर वाली औरतों से। हाँ बोलो। अभी उनकी सेटिंग हो रही है तो तुम्हें बना कर निकल जाए। हाँ कोई बात नहीं। चले फिर ऐसा करते हैं कि हम एक कप चाय पीते हैं जब तक रूम की सेटिंग भी हो जाएगी। आ जाओ। ठीक है चलो फिर हम अपनी बात करते हैं। क्या है? बताओगी नहीं कि क्या काम था मुझसे? मेरा कोई काम नहीं, तुम्हारे काम है ये। मैं सिर्फ बताने आई हूँ कि अब वक्त आ गया है। कैसा वक्त? उस वकालतनामे से फायदा उठाने का वक्त। क्या है
सोच रहे हो कि इतनी मुसीबतें उठाकर वो वकालतनामा हासिल किया है और उसे फ्रेम करवा के अपने वालिद के घर की दीवार पर लगाओगे? इस तरह कभी मैंने नहीं सोचा, लेकिन लेकिन क्या? सुनो साबिर, मेरे शौहर को बहादुर होना चाहिए, उसी तरह जैसे मैं खुद हूँ। उसमें खासियत होनी चाहिए उतनी ही जितनी मुझ में मौजूद है। वो मुझे उतना ही पसंद करता हो जितना मैं उसे पसंद करती हूँ। परिसीमा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। तो फिर साबित करो। किस तरह से? जिस तरह से मार्क एंथनी ने अपना प्यार साबित किया कैलोपेट्रा पर। कौन? मार्क एंथनी? रहने दो, कुछ नहीं। नाराज नहीं हो परिसीमा, मैं तुम्हें नाराज नहीं देख सकता। बताओ मुझसे क्या काम है? अपने वालिद की जायदाद अपने नाम करा लो। जायदाद नाम करा लूं? तमाम जायदाद, सिर्फ उनके जिस्म के कपड़ों के अलावा। इसी होटल में छोटा हॉल बुक करवा लिया है शादी के लिए, मेहमान भी सिलेक्ट कर लिए हैं। यानी मैंने शादी के लिए 45 अफराद को बुलाने का सोचा है, यानी कुछ रिश्तेदार होंगे, कुछ दोस्त अहबाब और कुछ यूनिवर्सिटी कुलीग्स भी शामिल होंगे। अच्छा होगा हम बड़ा हॉल कर लें। अगर यहाँ कोई बड़ा हॉल नहीं है तो हम कहीं और देख लेते हैं। मेहमानों को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जितने भी चाहो बुला सकते हो। मैं बता रहा हूँ रूत पारी साहिबा, इसे आप शादी के दिन के लिए छोड़ दें। वलीमे का इंतज़ाम लड़के वालों की तरफ से होता है, 2 अफराद को बुलाएं या 2000 अफराद को, वो तुम्हारी मर्जी है। बारात लड़की वालों की तरफ से होती है। मैं अपनी बेटी की बारात में चाहती हूँ कि तुम परेशान नहीं हो, जितने भी अफराद को बुलाना चाहो बुला सकते हो। जी अच्छा, जैसे आपकी मर्जी। मेरे पास सोचने के लिए कितना टाइम है? कुछ नहीं, जब कल रात मेरे पास आओगे तुम्हारे वालिद की जायदाद तुम्हारे नाम होनी चाहिए। अगर तुम्हारे नाम हो गई तो आ जाना, अगर तुम्हारे नाम ना हो सकी तो वहीं अपने वालिद के घर में ही रहना और उनकी गुलामी करना। ये लीजिए सर। अरे बहुत बहुत शुक्रिया जी, कोई बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। रूम हो गया है, चलते चले चलते हैं। अम्मी जान मैं तो बहुत थक गई हूँ। नंबर 212। हाँ ये तो हाँ, चलो थक गए हैं। तुम हमारे साथ ऊपर नहीं चलो? मैं रिसेप्शन से जरा कुछ मालूमात ले लूँ। अच्छा, आप वहाँ लिफ्ट के पास खड़ी हो, मैं सूट केस लेकर आता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ दस्तखत करने हैं आपको, और यहाँ आपके साथ जो रह रहा है उसका नाम भी लिखना है, जैसे कि नाज़गुल रुतपारी। ये सब वॉलफॉल होटल के कमरे के लिए? अब ये तमाम होटलों की शराइत बन चुका है। बहुत शुक्रिया। ऐसी कोई बात नहीं, अगर मुझसे कोई काम नहीं है तो मैं जा रहा हूँ, शाम में आ जाऊँगा। तकलीफ के लिए माजरत चाहती हूँ। तकलीफ की क्या बात है, शुक्रिया। ये तो मेरी जिम्मेदारी थी। रुतपारी साहिबा, वो आप मेहमानों की तादाद के बारे में तो मुतमईन है ना? मोहसिन बेटा, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा कोई भी मेहमान रह जाए, तुम परेशान नहीं हो? ठीक है। नाज़गुल, मोहसिन देखो जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, मुझे बस एक छोटा सा काम है, वो करके वापस आ रहा हूँ। जब मैं आ जाऊँगा तो फोन करूँगा, तुम नीचे लॉबी में आ जाना, वहीं बैठ के बात करेंगे। ठीक है, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान।
वालेकुम अस्सलाम। तुम इतनी सांस क्यों ले रहे हो? कुछ नहीं भाई, फोन कार में था, बैल नहीं सुनी, भागता हुआ आया हूँ। बच्चों की इतनी आवाजें क्यों आ रही हैं? हाँ, बराबर में ही बच्चों का स्कूल है, वहां से आ रही हैं शोर की आवाजें। तुम्हारा शहर तो बहुत गर्म है। हमारा शहर? तेहरान की बात कर रही हूँ, बहुत गर्मी है यहाँ। आप लोग कहाँ हैं? तुम्हारे पास ही तेहरान में हैं। सच में? हाँ सच में भाई, होटल में हैं हम। आपने बताया क्यों नहीं? क्यों नहीं बताया मुझे कि आप आ गई हैं? मैंने तुम्हें कल ही तो बताया था कि आज हम आ जाएंगे। हेलो 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 मोहम्मद। हेलो 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 जी, बोले अम्मी जान। तुम्हारी आवाज़ नहीं आई तो मैं समझी लाइन कट गई। तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुमसे मिलना चाहती हूँ। कब आओगे? आज तो ड्यूटी पर हूँ अम्मी जान, मुझे लगता है कि रात तक तेहरान नहीं आ सकूँगा। नहीं बेटा, फिर कल मुलाकात कर लूंगी। ठीक है मीजा, मैं इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कुछ काम बिल्कुल अपने बाप की तरह करता है। आप तो कह रही थी बिल्कुल भी बाबा पर नहीं गया है। काम की जिम्मेदारी में बिल्कुल है, तुम्हारे बाबा भी काम के मामले में बहुत जिम्मेदार थे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, एक नंबर मिला दीजिए अमीन हुजूर सोसाइटी का, जिनका नाम है आतफा अकरमी, आपके पास है? शुक्रिया। किसको तलाश कर रही हैं? एक सहेली को। तेहरान में? क्या आप तेहरान आ चुकी हैं? हाँ, मेरी बात सुनो माहिर। जी सर। यहाँ आओ। जी आ रहा हूँ। जी बोले। गाड़ी की चाबी कहाँ है? वो कार में ही लगी हुई है। हाँ ठीक है, उसे कार ही में लगी रहने दो, आज मुझे तुमसे कोई काम नहीं, अब तुम जा सकते हो। जी ठीक है सर, माफ कीजिएगा सर। अगर कल आप मुझे 2-3 घंटे के लिए जाने दें तो मुझे कहीं काम से जाना है। डॉक्टर के पास जाना है क्या? नहीं सर, पुलिस स्टेशन जाना है। नहीं सर। तो फिर अदालत जाना है? नहीं सर। दुआ में? नहीं सर। शादी में जाना है? नहीं सर। ओह अच्छा, तो कोई जरूरी काम नहीं है, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। सर मैं अपनी वालदा से मिलना चाहता हूं, वो आज ही वहां से तेहरान आई हैं, इसीलिए सोचा कि कल मैं उनसे मिला हूं। सर अगर आपको कल मुझसे कोई जरूरी काम वगैरह है तो मैं फिर कभी चला जाऊंगा।
कोई बात नहीं सर, मैं चलता हूं। सुनो माहिर लड़के, तो क्या तुम इस हुलिये में अपनी वालदा से मिलने जाओगे? अपनी हालत को उनके पास जाने से पहले ठीक करो। सुनो, तुम्हारे पास नई पैंट शर्ट नहीं है क्या? जी सर। वालदा के पास साफ सुथरे होकर जाना, माँ से मिलने के लिए पूरी जिंदगी भी कम है, फिर 2 घंटे क्या होते हैं, कल सारा दिन तुम्हारी छुट्टी है। जनाब बहुत शुक्रिया आपका, सच में आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सर, खुदा आपको अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलाम वालेकुम सर। बाबा जान। क्या है? इस लड़के को आप इसी तरह घर में रखना चाहते हैं? मतलब इस तरह के ये हमारी फैमिली की हर बात को देखता और सुनता रहे? हाँ साबिर साहब, सुनो, पहली बात, वो लड़का मेरा ड्राइवर है, दूर जाकर नहीं बैठेगा मुझसे, मेरे सामने ही रहेगा। दूसरी बात, वो इस घर में घूम नहीं रहा है, या तो गाड़ी के बाहर खड़ा है या गाड़ी के अंदर बैठा है। तीसरी बात, मैं अपने ही घर में और अपने ही मुलाजिम के लिए क्या आप तुमसे ही इजाजत लिया करूंगा? मगर हम भी तो इसी घर में रहते हैं बाबा जान। अच्छा, तो तुम्हें कोई परेशानी है? बात ये नहीं है, मेरी दो जवान बेटियां हैं, उन्हें जहां भी जाना होता है इस लड़के के साथ जाती हैं। ये लड़का भी अपनी औकात और हैसियत नहीं जानता है, बेशर्म लड़का है। मैं अच्छा नहीं समझता हूं कि दो जवान बेटियों को। तुम्हें पता है तुम किस तरह के हो साबिर? नहीं बाबा। बिल्कुल एक ठेले वाले की तरह। कभी ठेला देखा है तुमने? किसी वक्त में मेरे पास एक ठेला था, 1 साल तक चलाया है उसे, बाहर में बड़े बादाम और टमाटर ले जाया करता था, सर्दी में सेब चेरी और आलू बुखारे बेचता था, और खिजा में 2 किस्म के फल बेचा करता था, जब गर्मी आती थी तो कुछ और बेचा करता था। मुख्तसर यह है, हर मौसम में उस मौसम का फल बदल बदल कर बेचते थे। तुम बिल्कुल उन्हीं की तरह हो साबिर। बताना पसंद करेंगे क्यों? बिल्कुल बता सकता हूं। जब भी कुछ होता है तो तुम्हें बहाना नहीं मिलता, घर में सब उल्टा सीधा करने लगते हो। अपनी बेटियों के कपड़े तो सही करवा नहीं सकते हो तुम, नीचे से दामन कैंची से कटा है और बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हो। सालगिरह हो, ईद हो, शादी ब्याह हो, या इस घर में कुछ भी हो, इस घर को रात से लेकर सुबह तक जगाए रखते हो। जब नजर ही रखनी है तो अपनी बेटियों पर रखो कि क्या करती है, अपने चेहरे पर पता नहीं क्या क्या लगाकर बाहर निकलती है। एक दिन पता लग जाएगा। क्या भूल जाते हो तुम के स्कार्फ सर ढापने के लिए है, ना कि ये उसको सर का ताज बना दिया जाए। काश तुम्हें एहसास हो के हर महीने 7,000 रुपए अपनी बेटियों के टेलीफोन का बिल अदा करते हो। सुनो, इतनी हिम्मत नहीं कि पूछ सको कि इन 7,000 रुपए में तुम्हारी बेटियां किस किस से बातें करती रहती हैं। काश कि तुम समझ सको, गर्मी में गर्मी के मौसम की तरह और सर्दी में सर्दी के मौसम की तरह रहना पड़ता है। सुनो, उस लड़के में 100 लड़कियों से ज्यादा शर्म मौजूद है, वो मेरा ड्राइवर है, मेरे घर ही में रहेगा। तुम्हें अगर ज्यादा ही गैरत प्यारी है तो अपनी बेटियों को कहीं और ले जाओ, समझे?
ये लीजिए। शुक्रिया। इसे पैक कर। नहीं नहीं जरूरत नहीं है, शुक्रिया। ये लीजिए नाजगुल साहब, आपके लिए। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबान। शुक्रिया की क्या बात है, कोई इतनी महंगी चीज नहीं, बस एक निशानी था। शुक्रिया। आ जाइए। फिर आज खाना तो साथ ही खाएंगे ना? हाँ हाँ, हम सब साथ ही खाएंगे। मैं तुम्हें दरगाह लेके जाना चाहता हूँ, बहुत जबरदस्त जगह है। ये भी हो सकता है कि तुम्हें वहाँ का खाना पसंद ना आए, लेकिन हम यहाँ काफी अरसे से रह रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ का खाना बहुत पसंद आता है। हमारे लिए भी फिर अच्छा नजारा होगा, इंतजार करूंगी। अच्छा ठीक है, शाम में मिलते हैं। खुदा हाफिज़। नाज़गुल, मैं कहना चाह रहा था कि तुम अपनी अम्मी से बात करो, कि यहाँ 200 मेहमानों का खर्चा बहुत महंगा हो जाएगा। अगर तुम चाहो तो मेरा मशवरा है कि तुम उसे बोलो। मैं अपनी अम्मी को जानती हूँ, फालतू बात नहीं करती। जब उन्होंने कह दिया कि 200 अपराध को बुला लो तो मतलब जरूर उन्होंने कुछ सोच रखा है। और फिर मैंने तो उनसे सीख लिया है कि उनके एक कहने को दो नहीं बोलते, और तुम्हारे लिए बेहतर होगा जो वो कहें उसे मान लो। ठीक है, मैंने भी सीख लिया। मैं जरा काम से बाहर जा रही हूँ। अम्मी जान, कहाँ जा रही हैं? मुझे कुछ काम है। मतलब इस होटल से बाहर? हाँ, इस होटल से बाहर। और कुछ पूछना है? आपने टैक्सी मंगवाई है? जी मैडम, आपकी टैक्सी बाहर खड़ी है। शुक्रिया। अच्छा ये तो बता दीजिए कि कब आएंगी। जल्दी आ जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जाना है? अमीन हजूर चरण। जी जी बैठिए। तुम्हारे पास मैं बाद में आऊंगी ताहिर। आपने मुझसे कुछ कहा? आपसे कुछ नहीं कहा। नाज़गुल, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। तुम्हारी अम्मी कहाँ गई हैं? बाहर गई हैं, अभी आ जाएंगी। अगर कहीं जाना ही था तो मैं उन्हें छोड़ देता। नहीं, वो किसी को भी परेशान नहीं करती। इसमें परेशानी की क्या बात है? अच्छा तो फिर खाने पर मिलते हैं। ठीक है, शाम में मिलते हैं। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज़। मैडम, आपको अमीर हुजूर चौरंगी आना था ना? हाँ जी, पहुंच गए। कितना बदल गया है। ये लीजिए। शुक्रिया। नहीं, मैं पर्स लेके वापस आ रही हूँ, आसानी से नहीं जाऊंगी। हाँ अच्छा, वो मोहम्मद कब वापस आ रहा है? मुझे नहीं मालूम, उसको बता दिया है कि परसों शादी है, वैसे मुझे नहीं पता वो आएगा या नहीं। अच्छा खुदा हाफिज़। सुनो, मैं तुम्हें बता दूँ, मेरा भाई 1340 रुपए या इन चीजों को नहीं मानता, सिर्फ 5 रुपए चाहे अपनी लड़की दे या किसी की लड़की लाए। ओहो, आपने तो अभी से लड़ना शुरू कर दिया। मैं लड़ नहीं रही, सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ, मजाक कर रही हूँ। जाओ खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। Thank you.
जी बोले। माफ कीजिएगा, फरमाइए आपको किससे मिलना है? जी बोले, किससे मिलना है? मोहतरमा, क्या आतफा अक्रमी इसी बिल्डिंग में रहती हैं? नहीं, इस काम की कोई नहीं रहती। आप भी हैं क्या अक्तसबा जी? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हो जी? आप ठीक हैं? जी हाँ, मैं भी ठीक हूँ। अक्तसबा जी सुने, ये मोहतरमा जिनका नाम ले रही हैं, आप उनको जानती? नहीं, मैं नहीं जानती। आपको यकीन है? जी हाँ, हम सब पड़ोसियों को जानते हैं। इस नाम की कोई नहीं रहती। सुने बाजी, जी बोले। वो जो किराएदार कमाली साहब थे जिन्होंने घर खाली किया था, उनका नाम यही था? नहीं मंसूरा बाजी, उनकी फैमिली में भी कोई आतफा नाम की नहीं थी। आतफा तो कोई भी नहीं यहाँ पर अक्तस बाजी, हम तो ऐसी किसी नाम की लड़की को नहीं जानते। मंसूरा बाजी जी, मेरा मतलब ये जिनका ये पूछ रही हैं उनका नाम आतफा है। अच्छा, ये घर पहले उन्हीं का था, लेकिन उस वक्त ये सिर्फ एक मंजिला था। मेरी बहन के घर बनने के बाद 10 लोगों में बिक चुका है और हम खुद इसके 11वें मालिक हैं। अक्तसबा जी, जी बोले। अभी आप नीचे? जी हाँ बोले। मैं कह रही हूँ, इस दफा बिजली का बिल बहुत ज्यादा ही आ गया है। आपके ख्याल में अच्छा नहीं है कि हम लोग एक मीटिंग रख लें ताकि सब बात कर सके? ये लीजिए। शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, अल्लाह आपको सलामत रखे। जी फरमाइए। सुनिए, ये दुकान क्या हाजी अली कासिम की है? जी यही दुकान है। वो खुद तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मैं उनका बेटा हूँ। आप उनके बेटे हैं? जी जी बिल्कुल। अब मैं ही इस दुकान की देखभाल कर रहा हूँ। मेरे वालिद का नाम अली कासिम था और उन्होंने मेरा नाम कासिम अली रख दिया। जी बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं आपके वालिद के ज़माने की पुरानी कस्टमर हूँ। आपके आने का बहुत शुक्रिया। वैसे आपको क्या चाहिए? 24 साल पहले मेरा घर भी इस गली के कोने पर था, नादरी हाउस। उस ज़माने में तो मैं बहुत छोटा हुआ करता था। हाँ। अस्सलाम वालेकुम कासिम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सिरका है आपके पास? जी बिल्कुल मौजूद है। जाफर जी, जाओ अंकल को वो नया वाला सिरका दिखाओ जो मैं कल लेके आया हूँ। छोटी बोतल चाहिए या बड़ी बोतल? बड़ी बोतल चाहिए। अगर आपको कुछ कहना है तो फरमाइए। मैं अपनी एक पुरानी पड़ोसन को ढूंढ रही हूँ, सोचा कि शायद आपको। यहाँ तो सब नए लोग आ गए हैं, पुराने तो सब चले ही गए हैं। अकरमी साहब का पता है? उनकी बेटी आतफा थी। अकरमी साहब वो पीछे गली वाले? हाँ। उन्होंने ये वाला घर बेच के एक नया अपार्टमेंट ले लिया था जो कि स्टॉप के बहुत नज़दीक है। मतलब अब यहाँ पर नहीं? नहीं, अकरमी साहब और उनकी बेगम का इंतकाल हो गया था। उनकी बेटी का नाम शायद आतिफा था और वो भी यहाँ से छोड़ के चली गई। उस इलाके का नाम थोड़ा मुश्किल सा है, मुझे नहीं मालूम। आपके पास उनका कोई एड्रेस नहीं है? ये लीजिए, बहुत शुक्रिया। एड्रेस या टेलीफोन नंबर या कुछ भी हो? सच पूछें तो आतफा बाजी अपने घर का तमाम सामान हमारी ही दुकान से खरीदती हैं। चावल, आटा, दाल, चीनी। अच्छा, वो बोरा देख रही हैं? वो चावल आतफा बाजी के घर का ही है, पैक चावल है वो। 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो, ये सब हमारी ही दुकान से जाता है। सब एक नंबर आइटम है हमारे पास। अच्छा। हाँ, लेकिन एक काम हो सकता है। मेरे पास उनका टेलीफोन नंबर मौजूद है, लेकिन मैं माजरत चाहता हूँ, मैं आपको नहीं दे सकता। मैं उसकी सहेली हूँ, हम साथ पढ़ते थे। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, मैं नहीं दे सकता, माफ़ करिएगा। लेकिन एक तरीका है मेरे पास। क्या? आप अपना नंबर मुझे दे दें, मैं आतफा बाजी को दे दूंगा, हो सकता है वो आपको फोन कर लें। ठीक है, बताइए। 0911 वो शैंपू का कार्टन कहाँ रखा है? क्या हुआ? दे रहा हूं ना। 233 वहां से उठा लो, वहीं रखा है। हाँ, क्या नाम है आपका? सना रुदबारी। सना किस तरह से लिखते हैं? नहीं नहीं, माफ करिएगा। सताईश।
सताईश नादरी। ठीक है, जैसे ही आतफा बाजी यहाँ चावल लेने आएंगे मैं आपका नंबर उन्हें दे दूंगा। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, आप कहाँ चली गई थी, मैं परेशान हो गई। वालेकुम अस्सलाम, तुम मुझे अंदर तो आने दो। जाने दूंगी लेकिन बताएं कि अंदर कौन है। मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप यहाँ आ गई हैं। मुझे भी नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, ये लो बेटा। शुक्रिया अम्मी जान। बाल कहाँ चले गए? कटवा लिए, गर्मी थी सोचा कटवा ही लूं। तुमने कटवाए या फिर तुम्हारे बॉस ने वार्न किया था? मैं मालिक हूं, कोई क्यों कहेगा, मैंने खुद कटवाए हैं। कह रहा हूं कि गर्मी थी कटवा लिए। मुझे लगता है उसूल पसंद आदमी है। कौन? तुम्हारे बॉस। और कौन? जिसने तुमसे कहा जाओ अपने बाल कटवाओ। आपको अच्छे लग रहे हैं बाल। बहुत अच्छे। हाँ, तुम तो हिंदुओं के मंदिर के बंदर लग रहे हो। ये तो अभी तक पागल ही है। मैं तुमसे ज्यादा पागल तो नहीं हूँ ना मेरे भाई। वो क्या कहते हैं, जब पागल लड़की की शादी होती है तो समझदार हो जाती है। बस भी करो, ये बताओ काम कैसा जा रहा है? जबरदस्त। तुम्हारा बॉस तुमसे खुश है? अब वो तो मेरे बगैर कहीं जाते ही नहीं है, कहीं भी नहीं जाते। सच में? देखा, आप भी सच में कहने लगी। कार किसके पास है? मोहम्मद साहब के पास। हर फैसला मुझे करना होता है और वो मेरी मर्जी पूछते हैं और फिर मैं बताता हूँ कि चलेंगे या नहीं। कहीं तुम ट्रक ड्राइवर तो नहीं बन गए हो? अच्छा बस भी करो, मेरा बेटा जितनी भी तरक्की कर ले मैं कहूँगी कम है। मैंने इसके लिए बहुत कुछ सोच रखा है। अच्छा मोहम्मद बताओ, अभी तुम इंचार्ज हो? अम्मी जान, सब काम मेरे जिम्मे है, मतलब अगर मैं नहीं हूँ तो पहिया भी नहीं घूमेगा। कौन सा पहिया? पहिया भाई, कंपनी का पहिया, मीटिंग्स का पहिया और कार का पहिया, पहिये तमाम पहिये भाई। मतलब मैंने काम का पूछा है, तुम्हारा काम कैसा है? कुछ नहीं भाई, रुके जरा मैं कीनू खा लूं। सुबह ही सुबह उठना होता है, ऑर्डर देता हूं कि इसे ले आओ, उसे उधर रख दो। सब लोग मेरी बात पर अमल करते हैं। मेरा मालिक कहता है, मैं नहीं तुम मालिक हो। अब वो कहते हैं तो मैं मालिक बन ही जाता हूं। हेलो जी, बोले हेलो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। रात को इतनी थकी हुई थी कि इन्हें समेट भी नहीं सकी। ये आपका बेटा किस कदर बोलता है कि सुबह ही हो गई, और कितना मेहनती है जो अपनी ड्यूटी पर चला गया। इस वजह से कि उसका काम जिम्मेदारी का है और वो खुद भी बहुत बदल गया है। तुम बजाए इसके जलन करो, ये बताओ ये टेलीफोन किसका है? पता नहीं, लाइन कट गई थी। जी बोले। बदतमीज, बेशरम, बेवकूफ, धोखेबाज। आतिफा।
इस वजह से कि जो लकब तुम मुझे दे रही हो वो मैं सुनना चाहती हूँ। अच्छा, मैं अब तुम्हारी कोई तारीफ नहीं कर रही हूँ, तुम्हें बुरा कह रही हूँ। तुम इतनी बेशर्म हो कि तारीफ और बुराई में फर्क ही नहीं समझती। हर बात जो तुम्हारी जुबान से निकल रही है मेरे लिए बहुत पुरसकून है। रूम नंबर 218। ठीक है, बस मैं अभी आ रही हूँ और वहीं आकर तुम्हारी जान निकालती हूँ। समझ गई? खुदा हाफिज़। अम्मी जान, कौन था? मेरा गुजरा हुआ कल, वो मेरे पास आ रही है।